खोया दही काफी थिक हो गया है, इसे मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा खोया बनकर रेडी हो गया है, अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ हमारी गाजर भी काफी सॉफ्ट हो गई है, इसे मैंने 3 सीटी लगवाई थी। देखिए अब इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे और ये आराम से मैश हो रही है। जिस कढ़ाई में हमने देखिए खोया निकाला था, अब उसी में मैं इसे निकाल लूंगी। अब इसे हम धीरे धीरे अच्छी तरह से मैश करेंगे। ये देखिए सारी गाजर मैश हो गई है, अब इसे लगातार हम इसी तरह से चलाएंगे। ये देखिए काफी थिक हो रही है, ये पानी इसका सूख रहा है गाजर का। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूंगी, आधी कटोरी मैंने चीनी डाली है। अब इसमें हम थोड़ा सा पहले खोया डालेंगे, इतना कट करके हमने खोया इसके अंदर डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा खोया करके हम इसके अंदर ऐड करेंगे और खोए को अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। देखिए इससे इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा और हमें इसे लगातार इसी तरह से चलाते रहेंगे। जो गाजर का पानी है वो देखिए बिल्कुल सूख गया है, आप देख सकते हैं। खोए को अच्छी तरह से गाजर के साथ हम मिक्स करेंगे। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल, अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप चीनी और ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने खोए के अंदर भी चीनी को डाला था। अब इसमें हम फिर से खोया डालेंगे कट करके। देखिए आधा खोया हमने इसके अंदर डाल दिया है और थोड़ा सा खोया हमने बचा कर रख लिया है, बाद में काम आएगा। अब इसे अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे। देखिए लगातार हमें इसे चलाते रहना है ताकि हमारी गाजर कढ़ाई के साथ ना चिपके। ये बनकर बहुत ज़्यादा